तो आ गए आप। चलो अब आ गए हैं तो इस क्वेश्चन को सीख कर ही जाइएगा। 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में आप अपने एग्जाम में एक नंबर बनाना सीख जाएंगे। यदि आप एक नंबर बनाना सीख गए तो फिर आप हजारों लड़कों को अपने से पीछे छोड़ देंगे। तो एक नंबर बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को सीखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 3 की घात 4n - 4 की घात 3n हमेशा किससे विभाजित होगा? मतलब जो ये संख्या दी गई है इसमें हमेशा किससे भाग जाएगा? ऑप्शन है 20, 19, 18, 17। इसको चुटकियों करना सीखें। कैसे? उसके पहले थोड़ा ही आप जान लीजिए। यदि कहीं पर लिखा है x की पावर n माइनस a की पावर n, अगर ये विभाजित होगा, हमेशा विभाजित होगा किस नंबर से? x माइनस a से। समझे? x की पावर n माइनस a की पावर n, ये हमेशा इसमें भाग जाएगा किससे? x माइनस a से हमेशा इसमें भाग जाएगा। अगला देखिए, x की पावर n माइनस a की पावर n में हमेशा भाग जाएगा किससे? x प्लस a से। कब भाग जाएगा? जब n का मान सम होगा, यानी कि जो n है ये इसका मान एक सम संख्या होगी। सम संख्या क्या होती है? जब आप जानते हैं 2, 4, 6, 8 इस तरीके की संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। तो जब x की घात n माइनस a की घात n में n सम होगा तो हमेशा इसमें भाग जाएगा x प्लस a से। ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट आपके सामने है x की घात n प्लस a की घात n, इसमें हमेशा भाग जाएगा किससे? भाग जाएगा x प्लस a से। भाग जाएगा कब जाएगा? यदि n का मान विषम है, जैसे 1, 3, 5 ये है, तो फिर जाएगा x प्लस a से भाग। अब इसको आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है, याद कर लेना है। मान लीजिए सूत्र है, ये याद हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा अंतर है क्या? यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस वाले में बीच में जब माइनस होगा तो हमेशा x माइनस a से भाग जाएगा, ठीक है। और x की घात n माइनस a की घात n में जब n सम होगा तो x प्लस a से भाग जाएगा, x प्लस a से, है ना। और x की घात n, अब देखिए यहाँ पर प्लस है, x की घात n प्लस a की घात n, इसमें हमेशा कब भाग जाएगा? x प्लस a से जब ही भाग जाएगा, जब n विषम होगा। तो इतना जानने के बाद क्वेश्चन को आप यूं कर सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर जो 3 की घात है वो कितनी है? 4n है, और 4 की घात कितनी है? 3n है। तो फिर अभी पता नहीं चल पा रहा है n क्या है, सम है कि विषम है, तो पता नहीं चल पा रहा है, तो ये वाला लगेगा x की घात n। तो यहाँ पे तो 4n है, a की घात n, तो a की घात n, यहाँ तो 3n है, ये तो अलग अलग है, तो इनको पहले सही से लिखेंगे। देखिए इसको लिख सकते हैं आप 3 की घात 4, और n अलग से लिख सकते हैं, माइनस इसको लिख सकते हैं 4 की घात 3, और n अलग से, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो 3 की घात 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 3 × 3 × 3 × 3 4 बार, तो 3 × 3 करेंगे 9, 9 * 3 = 27, और 27 * 3 = 81 हो जाएगा। तो 81 की घात आप लिख सकते हैं n, माइनस इसको लिख सकते हैं 4 की घात 3। 4 की घात 3 का मतलब है 4 × 4 × 4, 3 बार होगा, 4 × 16 और 16 × 64, 64 की घात n। अब देखिए यहाँ से ये वाला बन गया आपका, x की जगह 81 लिखा है यहाँ पर, और घात n है, माइनस a की जगह कितना लिखा है? 64, ठीक है ना। अभी आपको बता रहे हैं इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है समझाने के लिए। फिर आप जब इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी करना सीख जाएंगे, भागिएगा मत, वीडियो पूरा देखें। तो अभी किससे इसमें भाग जाएगा? अगर ऐसा लिखा होता तो x माइनस a से भाग जाता, तो यहाँ पे x की जगह 81 है और a की जगह 64 है, तो 81 - 64 से भाग जाएगा। कर लीजिए इसको सॉल्व, 11 से 4 हटा दीजिए,
सात बचा और यहाँ पे बचा सात, सात में से छः घटा दीजिए कितना बचा एक, तो आपका सत्रह से इस संख्या में इसमें भाग जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया। समझ में आया ना? क्या करना है, सिर्फ इसको एक जैसा कर लेना है, घात n n बना लेनी है। अब पता नहीं चल रहा है n समय के विषम, तो ये वाला लगाएंगे और क्या होता है भाग किससे जाता है, x माइनस a से, मतलब 81 माइनस 64 कर देंगे तो आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 21 की घात 100 माइनस 8 की घात 100 हमेशा किससे विभाजित होगा? ऑप्शन है 29, 30, 31, 33। तो आपको बताना है, देखिए कितनी जल्दी हो जाएगा। वो वाला क्वेश्चन आपको बता रहे थे इसलिए टाइम लग रहा था ना उसमें, ये देखिए 2 सेकंड में होता है। क्या करना है, यहाँ देखा घात 100 है, घात 100 है, दोनों की घात क्या है, सम है। घात 100 हो गई तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सम। जब सम हो गया और माइनस भी है, ये वाला आ जाएगा x की घात n माइनस a की घात n। तो ये हमेशा जब n सम है तो किससे जाएगा, x प्लस a से भाग जाएगा। तो x की जगह 21 लिख लीजिए और a की जगह कितना लिख दीजिए 8, और इनको जोड़ देना है। 21 और 8 कितना हो गया, 29 हो गया। तो किससे भाग जाएगा हमेशा, 29। तो x 21 की घात 100 माइनस 8 की घात 100 हमेशा 29 से विभाजित होगा। कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही है, ऑप्शन ए है ना। कितना इजी है, बस आपको थोड़ा ये याद होना चाहिए। यहाँ देखा घात सम है, बीच में माइनस लगा है, माइनस लगा है तो एक्स प्लस ए से भाग जाएगा। एक्स की जगह 21, ए की जगह 8, 21 और 8 को जोड़ दिया, 29 हो गया। बस कितना सरल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपके सामने है क्वेश्चन, ये बोर्ड पर इसको सॉल्व करेंगे बस मात्र 2 सेकंड में। क्या लिखा है, 21 की घात 77 प्लस 8 की घात 77 हमेशा किससे विभाजित होगा? ऑप्शन है 28, 29, 30, 55। बस आपको ये देखना है बीच में क्या है, प्लस है, घातें एक जैसी हैं, 77 क्या है, विषम है, और यहाँ पर प्लस है। तो देखिए ये प्लस है और यदि एन विषम होता है तो एक्स प्लस ए से भाग जाता है। किससे जाता है, एक्स प्लस ए से। एक्स की जगह कितना है, 21, और इसकी जगह ए की जगह कितना है, 8, 21 8 जोड़ दीजिए कितना हो गया, 29 हो गया। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, बस आपको थोड़ा इनको ध्यान में रखना है, मात्र चुटकियों में हो जाता है 2 सेकंड में। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को छोड़कर भागिएगा मत, क्योंकि भागने से कोई सॉल्यूशन हल होने वाला नहीं है, सीख कर जाना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं चुटकियों में, थोड़ा इसमें अंतर है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा है 8 की पावर 2n प्लस 7 की पावर n हमेशा किससे विभाजित होगा? ऑप्शन है 32, 33, 71, 72। और इसमें साथ में ये भी बोल दिया है उसने कि यदि n एक विषम है, n एक विषम संख्या है, तो n विषम है ना, जब n विषम है और इनके बीच में प्लस लगा है, तो ये वाला थर्ड वाला देखिए, जब n विषम है तो x की घात n प्लस a की घात n किससे भाग चला जाएगा, x प्लस a से भाग चला जाता है यदि n विषम होता है। देखिए यहाँ पे घातें n n है, यहाँ पर तो सेम है नहीं, यहाँ 2n है, यहाँ पे n है, तो पहले इनकी हम लोग घातों को एक जैसा बना लेंगे, सेम बना लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या आंसर आता है। तो 8 की घात 2n है, तो इसको लिख सकते हैं आप 8 की घात 2 और बाहर n लिख सकते हैं ना, यहाँ पर प्लस 7 की घात n, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब 8 की घात 2, 8 की घात 2 को क्या लिख सकते हो आप, 8 × 8 यानी कि 64 की घात n प्लस 7 की घात n, ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए यहाँ 64 की घात भी n बन गई और 7 की घात भी n है, अब दोनों की घात n है और n कैसा है, यहाँ दिया है n एक विषम है, जब n विषम हो और दोनों के बीच में प्लस लगा हो, ये देखिए, तो x प्लस a से भाग जाता है, यानी कि 64 + 7 से, 64 और 7 जोड़ दीजिए, 7 × 4 = 11, 6 और 1 = 7,
71 आ गया, 64 और 7 को जोड़ने पर क्या आ गया, 71 आ गया, तो 71 से भाग चला जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही हो गया। बहुत इजी है, बस थोड़ा ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे हम, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2^5n - 4^2n हमेशा किससे विभाजित होगा, सेम उसी तरीके का है, सॉल्व करना है, बस यहाँ पर घातें आपको एक जैसी बना लेनी, यहाँ पर 5n है, यहाँ पर 2n है, तो यहाँ पे nn बना लेना। उसके लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे 2^5 को अलग लिख देंगे, 2^5 अलग कर दिया और n अलग हो जाएगा, माइनस 4^2 लिख सकते हैं और उसकी घात n लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखेंगे। फिर आपको क्या करना होता है, 2^5 का मतलब 2 × 2 × 2 × 2 पांच बार करेंगे, तो 2^5 का मतलब होगा 32, तो 32 आ गया और n घात थी तो 32^n, माइनस 4^2 का मतलब होता है 4 × 4 यानी कि 4 का वर्ग 16, तो 16^2 कितनी आ जाएगी, यहाँ से n आ जाएगी। अब देखिए दोनों में एक जैसी घात है, n है ना, जब दोनों में एक जैसी घात है और ये पता नहीं है n सम है कि विषम है, बीच में माइनस लगा है, तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ से यूज होगा, ये वाला देखिए, x माइनस ए से भाग जाएगा इसमें, x माइनस ए, एक्स का मतलब 32 और एक की जगह है 16, तो 32 में से आप 16 हटा दीजिए तो कितना आ गया आपका आंसर, 16 आ गया, तो किससे भाग जाएगा, 16 से। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका ये सही हो जाता है। तो आशा है कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए हम बोर्ड पर दे रहे हैं, उसको आपको सॉल्व करके कमेंट में उसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, क्वेश्चन है 29^50 - 2^50 हमेशा किससे विभाजित होगा। ऑप्शन है आपके सामने 29, 2, 1, 31, इनमें से एक आंसर सही है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है ना। तो अब वीडियो के लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं, तो यदि आपको समझ में आया हो ये तरीका, तभी आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसी तरीके के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ट्रिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।